उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद जनपद के थाना भोजपुर इलाके के रानी नगला गांव में उस समय हड़कंप मच गया जब पिता पुत्र ने युवती को प्रेमी के घर में घुसकर चाकू और कुल्हाड़ी से हमला कर मौत के घाट उतार दिया। हादसे की सूचना पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मौके से दो लोगों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी। वहीं फॉरेंसिक टीम व डॉग स्क्वाड की टीम ने मौके पर पहुंचकर घटना स्थल का निरीक्षण किया, साथ ही युवती का शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम को भेज दिया है। पुलिस कर्मियों द्वारा मामले की जांच पड़ताल की जा रही है। मुरादाबाद जनपद के भोजपुर थाना इलाके में रहने वाली युवती का लंबे समय से गांव के ही रहने वाले युवक से प्रेम प्रसंग चल रहा था, जिसमें युवती अपने प्रेमी से शादी करना चाहती थी, लेकिन युवती के परिवार वाले गांव में अपनी इज्जत की खातिर युवती की शादी गाँव के ही रहने वाले युवक से नहीं कराना चाहते थे, जिस पर सुबह युवती अपने परिवार को छोड़कर अपने प्रेमी के घर चली गई। जैसे ही युवती के जाने की जानकारी पिता और भाइयों को लगी तो आग बबूला होकर पिता और भाई ने युवती को कुल्हाड़ी और चाकू से हमला कर दिया, जिसमें युवती की मौके पर मौत हो गई। सूचना तुरंत ही ग्राम प्रधान द्वारा पुलिस को दी गई। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची पुलिस ने मृतक युवती का शव का पंचनामा कराकर पोस्टमार्टम को भेजा। वहीं फॉरेंसिक टीम द्वारा घटना स्थल का निरीक्षण किया गया। डॉग स्क्वाड की टीम द्वारा साक्ष्य जुटाए जा रहे हैं। वहीं मौके से दो लोगों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और उनसे पूछताछ की जा रही है। एक एक कहाँ की रहने वाली है? कहाँ के रहने वाले हैं? रानी नगर के। आज यहाँ एक लड़की की डेड बॉडी मिली है। ये घर किसका है? ये हमारा घर। क्या था पूरा मामला? पूरा मामला में सोकर उठी थी, कमरे में सो रही थी। 6:30 बजे सोकर उठी, किवाड़ा लगी थी, मैंने धक्का मारा, झाड़ू खोल लगी, लड़की थी अंदर, उन्होंने किवाड़ा खोल लिया, मुझे ले लिया अपने घर पर चली गई। उसकी मम्मी आ गई, मम्मी को हमने कुछ नहीं दी, मम्मी ने 2-3 रापटे मारे, चप्पल मारे, बाल खींचे, लड़की के तो चल यहाँ से, हमारे घर को ये मार के जाएगी तो हमने हाथ जोड़े जाना चले जाना। ललित जित की भीड़ डाल ये आए, इसके पापा लड़की के पापा आए, आते खानी चप्पू लेके लड़का यहाँ से सूट पड़ा, गला पकड़ कर खींची बाहर को, फिर लड़का आके एकदम कुल्हाड़ी लेकर खाट पर डाली दोनों में रोटी। लड़की का भाई? हाँ। क्या नाम है उसका? मोहित। मोहित। हाँ, कुल्हाड़ी मारे, मैंने कहा मेरी ये लड़की ने अपनी खाट पर डाली, मैंने पकड़ा भी तो मैं कहा इन्होंने मार दी, तो मैं बाहर निकल गई, मैं आपने सूचना दी फिर? हाँ? सूचना दी आपने? किसको सूचना दी? भाई पहले प्रधान जी को सूचना दी थी, हमने सूचना दी हमने की लड़की आई है। जिस समय वारदात हुई थी आप अकेले थे घर पे? घर पे मैं थी, नंद थी, आपको पहली एक सास थी हमारी। अच्छा, आपकी सास थी? हाँ। तो आपने बचाने की कोशिश की? बचाने की कोशिश करी, ये लड़की मेरी बेहोश हो गई, मैंने फेंका मारी ये लड़की खाट पर, तो इन्होंने धक्का दिया और गाली लगते गंदी गंदी, फिर नहीं का दूसरा लड़का आ गया भग कर, जब भग कर लिपने को मैं जीने पर चढ़ी, भग कर आई तो वो लिपटने को गाली देना सब गई। क्या नाम है दूसरे का? संजू। ये प्रेम प्रथम कब से चल रहा था इनका? ये मुझे नहीं पता, जेवर से मैं 3 साल से नहीं बोलती अपने से, इन सब ये नहीं बोलती है। अच्छा, परिजनों किसी को मालूम नहीं था? नहीं, किसी को भी नहीं पता था हमारे प्रेम प्रथम के बारे में, किसी को मालूम नहीं था? किसी को हमें कुछ देवर से गैर से इंसान बोल रहा, मैं देवर से तो मेरे बिल्कुल बोलने का कोई नहीं है। क्या नाम है आपके देवर का? मोहित। मोहित। मेरा कोई मतलब ही नहीं है, मैंने अपना 3 साल पहले मतलब ही खत्म कर दिया था। फिर लड़की के परिजन हत्या करने के बाद में घर से यहाँ से फरार हो गए? यहाँ से चले गए, यहाँ से गए वो घर से दोनों, और कपड़े चेंज करके आए, अभी कपड़े चेंज करके आए, जब माने सूट पहन रखा था पुलिस वाले, जब बता रहे पुलिस वाले का साड़ी पहन रखी है, सूट पहन रखा था। सर आज क्या घटना घटी, कहाँ घटी है, क्या पूरा मामला? थाना क्षेत्र भोजपुर जनपद मुरादाबाद ग्राम रानी नागल में ग्राम प्रधान द्वारा यह सूचना दी गई है कि उनके गांव की एक बच्ची की हत्या कर दी गई है, और प्रथम दृष्टया वो बच्ची किसी दूसरे घर में मृत पाई गई है, और जो जानकारी मिल रही है बच्ची के परिजनों द्वारा ही वो हत्या कारित की गई है। इस संबंध में हमारे फॉरेंसिक टीम डॉग स्क्वाड की टीम काम कर रही है, इसके साथ साथ मेरे द्वारा क्षेत्राधिकारी ठाकुर द्वारा घटनास्थल का निरीक्षण किया जा चुका है, तहरीर प्राप्त है और नियमानुसार वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। सर इसमें कितने लोगों की गिरफ्तारी हो चुकी है? इसमें भी पूछताछ के लिए आरोप के आधार पर दो लोगों को हिरासत में लिया गया है, पूछताछ करके बाद में उनके संलिप्तता के आधार पर कार्रवाई की जाएगी।